प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी नसीहत, कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर बरसा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, कहा हरियाणा सरकार ने वोट लेने के लिए राजनीतिक सरेंडर किया। गुरमीत सिंह को 28 अगस्त को रोहतक जेल में ही सजा सुनाई जाएगी, जेल में ही बनेगा कोर्ट रूम, सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। गुरमीत सिंह को रोहतक जेल में मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर जेल डीजीपी की सफाई, कहा नहीं दिया जा रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, आम कैदियों जैसा हो रहा है व्यवहार। उनको एक सामान्य कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं दी जा रही हैं। डेरा समर्थकों की हिंसा के बाद पंजाब और हरियाणा जाने वाले 341 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। डेरा समर्थकों द्वारा मीडिया पर हुए हमले की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की, राज्य और केंद्र सरकार से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। राम रहीम के पक्ष में आए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, फैसले के लिए अदालत को कटघरे में खड़ा किया, विवाद बढ़ने पर बयान से पलटे। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 418 लोगों की मौत, 1,67,00,000 लोग प्रभावित, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बिहार को 500 करोड़ राहत पैकेज देने का ऐलान। और पुलवामा में पुलिस लाइन पर आतंकवादी हमला, 6 जवानों की मौत, 2 आतंकवादियों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी।